कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? लेकिन मोदी जी भी क्या करें, उनको सरकार चलानी है तो सबसे ज्यादा टैक्स डीजल पेट्रोल से ही आता है। स्वागत आपका एआर न्यूज इंडिया पर, मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। बाबा रामदेव के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बाबा रामदेव जिसको लोग लाला रामदेव भी कहते हैं, बहरहाल अभी फिलहाल उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है जयपुर में। राजस्थान के आरोप है कि उन्होंने गलत ढंग से यानी कि भ्रामिक प्रचार किया है अपनी दवाई को लेकर। अपनी दवाई को कोरोना की दवाई बताया था जबकि वो कोरोना के लिए नहीं बल्कि उसका सर्टिफिकेट जो है वो खांसी जुकाम के लिए था, जिसको लेकर 5 लोगों पर एफआईआर हुई है जिसमें बाबा रामदेव का नाम भी शामिल है। आपको बता दें कि हाल ही में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी दवाई का प्रचार किया था और कहा था कि ये कोरोना की दवाई है और इससे कोरोना में फ़ायदा मिलने वाला है। और दरअसल बताया जा रहा है कि वो दवाई जो है वो इम्यूनिटी बढ़ाने की है। अब हम आपको बताते हैं कि बाबा रामदेव इन दिनों ट्रोल क्यों हो रहे हैं। बाबा रामदेव इन दिनों ट्रोल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनके पुराने जो वीडियो हैं वो वायरल हो रहे हैं और पुराने वीडियो में जो वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं वो बाकी हास्यास्पद है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस दौर में ऐसा लग रहा था कि बाबा रामदेव हमारे सबसे ज़्यादा शुभ चिंतक हैं, हमारी हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, आम इंसान की परेशानी का ख्याल रखते हैं और ख़ास करके हमारे आर्थिक स्थिति का ख्याल रखते हैं कि आखिर ये जो लोग हैं वो कैसे कमाएंगे खाएंगे। लेकिन अभी ये दिख रहा है कि उन्हें हमारी कोई चिंता ही नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वीडियो में देखा जा सकता है। वो वीडियो आप पहले देख लीजिए, उसके बाद में हम बात करते हैं। अच्छा बच्चों ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? ये अभी जो टैक्स लग रहा है 50%, वो 1% पे आएगा, तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। अरे इतना अर्थशास्त्र तो हमने पढ़ रखा, रजत एक बार सुनो। मुझे अफसोस है कि देखो तेल के डीजल के भाव इतने महंगे नहीं होने चाहिए, लेकिन अब मोदी जी भी क्या करें, उनको सरकार चलानी है तो सबसे ज़्यादा टैक्स डीजल पेट्रोल से ही आता है। सरकारी खजाना भी खाली ना हो जाए, कहीं सरकार जो है वो डेफिसिट में ना चली जाए, इसलिए उन्होंने टैक्स लगाया हुआ है, हटा दे तो मिल जाएगी। तो आपने वीडियो देखा, वो पहला वीडियो था जब यूपीए की सरकार थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे। उस वक्त जब पेट्रोल के जो दाम थे वो 40 42 45 तक थे और अब जब पेट्रोल के दाम 80 तक हैं तब का उनका जो स्टेटमेंट है वो क्या है। और उस वक्त वो जो लोगों से कहते हुए बच्चों से दिखाई दे रहे हैं वो आपने सुना होगा कि बच्चों बताइए अगर इतने में पेट्रोल मिलेगा तो आप किसको वोट दोगे और इतने में मिलेगा तो किसको वोट दोगे। यहाँ तक कि गैस सिलेंडर की बात भी कर रहे हैं, 400 की बात कर रहे हैं, गैस सिलेंडर की भी बात कर रहे हैं। अभी गैस सिलेंडर के दाम क्या है ये आपको पता है। सवाल ये है कि जो लोग कह रहे हैं कि ये बाबा रामदेव ये लाला रामदेव हैं, क्या ये बात सही है? तो वीडियो आपने देखी किस तरह से बाबा रामदेव समझाते हुए नजर आ रहे हैं उस टाइम पे जब डॉक्टर मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे, यूपीए की सरकार थी, तब वो क्या कह रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम उस वक्त कितने थे ये भी आपको पता है और उस वक्त कितने लाने की ये बात कर रहे थे वो भी आपको पता है। अब जब 2020 और एनडीए की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी हैं और इनके जो विचार हैं वो किस तरह से बदलते हुए नज़र आ रहे हैं, वो कैसे सोच रहे हैं, सरकारी खजाने की तक उन्हें जानकारी है। और यहाँ तक कि वो तो ये भी कहते थे, इतना अर्थशास्त्र हमने भी पढ़ा है, कैसे पेट्रोल के दाम घटते हैं कैसे बढ़ते हैं, कच्चे तेल की कीमतों का हवाला देते थे, साइंटिफिक रीज़न बताते थे। और अब ऐसे में सारे ये हवा हवाई हो गए हैं। तो बाबा रामदेव को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करके आप ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।